सो हे गाइस, न्यूज बॉय तो सुन बात देख, बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में। भाई मेरे 5-5.5 साल हो गए यूट्यूब का न्यूज देते हुए, इंटरनेट का न्यूज देते हुए। लेकिन आज जो मैं न्यूज बताने जा रहा हूँ ना, ये वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग न्यूज है भाई। तो ये न्यूज है रिलेटेड टू राजा व्लॉग्स। इनको तो आप सब लोग जानते हो यार, रिसेंटली इनका शादी हुआ था जो कि काफी ज्यादा वायरल भी हुए थे। ये इनको काफी सारे यूट्यूबर्स ने रोस्ट भी किया क्योंकि इन्होंने अपने शादी से रिलेटेड इतने वीडियोस पोस्ट किए अपने इंस्टाग्राम पर, मतलब क्या ही बताऊं। तो ये कल अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जहां पे वो बताया कि वो पिछले 15 दिन से घर नहीं गए, उन्होंने घर छोड़ दिया। एंड रीजन आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। 1 घंटे का वीडियो है, मैं एकदम शॉर्ट में आप लोगों को समझाता हूँ ना। वो अपने वीडियो में बताते हैं उनकी एक बहन है जिनका नाम है सुहानी, एंड उसका एज सिर्फ 15 साल है, ठीक है। एंड वो भाग जाती है एक लड़के के साथ जिसका नाम है गौरव, उसका एज 18 साल से ज्यादा है, बता दो। तो अकॉर्डिंग टू राजा व्लॉग्स, जो गौरव है उसने राजा व्लॉग्स के फैमिली को मैनिपुलेट किया जब वो आगरा में थे। वो राजा व्लॉग्स की माँ को बोलता है कि वो बहुत अमीर है, बोलेरो कार है उसके घर में, वो विधायक का बेटा, ये सब वो बोलता है। अब जो सुहानी गौरव के साथ भागी ना, राजा व्लॉग्स के अकॉर्डिंग उनके मम्मी एंड पापा का भी हाथ है इसमें, क्योंकि गौरव ने तो काफी मैनिपुलेट कर रखा था। उनके अकॉर्डिंग मम्मी पापा और बहन पटना गए और उनके बहन के मांग में सिंदूर विंदूर डलवा दिए होंगे। राजा व्लॉग्स अपने वीडियो में बताते कि वो शादी की वो कंप्लीटली अगेंस्ट में थे क्योंकि उनकी जो बहन है वो सिर्फ 15 साल की। अब भाई वो दोनों ने भाग के शादी कर ही लिया। कुछ दिन बाद राजा व्लॉग्स अपने माँ को बोलते हैं कि सुहानी और गौरव को बुला लो, यहीं पे शादी करा लेते मंदिर में। वो बताते कि उन्होंने ये इज्जत बचाने के लिए किया। फिर जैसे ही शादी हुआ, वो जो गौरव है वो डिमांड करने लगा गाड़ी वगैरह का। 4 महीने बीत जाते, सुहानी को वो अपने घर नहीं लाता है। राजा बताते ना कि उन्होंने शादी के टाइम पे 4 लाख रुपए का गहने वगैरह दिए थे, बट उनको चाहिए और ज्यादा ना। गौरव फिर बोलता था मुझे फैन फॉलोइंग चाहिए, ये वो बोलता था, गाड़ी दीजिए, 4 लाख दीजिए, अगर खाली हाथ बहन को लेने आए तो हाथ पैर तोड़ देंगे, ये सब वो बोलता था। वो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह भी सुनाते हैं। 4 महीने बीत जाते हैं, फिर भी सुहानी राजा व्लॉग्स के फैमिली ने काफी बार गौरव को बोला कि बहन को घर लेके आओ, वो नहीं लेके आता था, वो डिमांड करता था गाड़ियों का, कार का। इसके बाद जब राजा व्लॉग्स का शादी हुआ तब उन्होंने बुलाया, वो आए, ठीक है। फिर राजा व्लॉग्स की फैमिली ने अच्छे तरीके से खातिरदारी की। फिर क्या होता है, 2 दिन बाद गौरव दारू पी के आता है, उनकी बहन को फिजिकली असॉल्ट करता है। मम्मी पापा वो सब देख रहे थे, कुछ नहीं करते, बोलते हैं कि पति पत्नी का लड़ाई है। इसके बाद राजा व्लॉग्स को आ जाता गुस्सा, वो दरवाजा बंद करते हैं, गौरव को पीटते हैं ना, वो बोलते हैं कि उन्होंने बहुत पीटा। फिर गौरव हाथ जोड़ के बोलता है कि अब से मैं नहीं पीऊंगा। इसके बाद भी वो पीकर राजा व्लॉग्स के एरिया के बंदों के साथ झगड़ा करता था। एक अशोक नाम के बंदे के साथ उसका लड़ाई हो जाता, शर्ट फट जाता है ना। जब वो घर आया तो राजा व्लॉग्स रिकॉर्ड करते हैं जहाँ पे वो जो गौरव है वो अपने पापा को बोल रहा होता है कि मुझे अशोक नाम के बंदे ने पीटा है, आप आदमी लेके आइए, मैं पीटूंगा अशोक को। अब क्या होता है, कुछ दिन बाद गौरव जो है वो राजा व्लॉग्स की मम्मी का कान भरता है ये बोल के कि आपका ससुर जी यानी कि राजा व्लॉग्स के वाइफ के फादर आपको दहेज में कुछ नहीं दे रहा है। फिर जो राजा व्लॉग्स की माँ है वो राजा व्लॉग्स को बोलती है कि 10 लाख रुपए ले लो ससुर जी से। माँ बोलती है 10 लाख रुपए उनसे लेंगे और 4 लाख हम गौरव को देंगे। फिर राजा व्लॉग्स ने अपनी मम्मी को डांट दिया, वो शांत हो गई उस टाइम पे। वो शादी करके बीवी को अपने घर लेके आते हैं। फिर गौरव एंड और भी लोग राजा व्लॉग्स की मम्मी का और कान भरते ये बोल के कि आपका बेटा इतना कमाता है आपको नहीं देता है। राजा व्लॉग्स बोलते हैं कि अगर मैं 5 लाख कमाता हूँ 1 लाख मैं देता हूँ, मैं 4 लाख इसलिए रखता हूँ ताकि सेविंग्स करूँ, कोई बीमार हो गया या कुछ हो जाता है तो ट्रीटमेंट कर सकूँ। फिर उसी वीडियो में राजा व्लॉग्स बोलती है ना कि जब वो खाना बना रही होती थी या कुछ और कर रही होती थी तो राजा व्लॉग्स की माँ बहुत कुछ सुनाती थी बोल के कि तुम्हारे पापा कुछ नहीं दिए, सोने का चेन देते, ये सब। और वो बताती है कि राजा व्लॉग्स की माँ ने ही सुहानी को भड़काया ये बोल के कि भैया का हिस्सा ले। और जो वो बताती है कि राजा व्लॉग्स की जो माँ है उन्होंने उनका मुंह जोर से पकड़ा था एंड कहा उनको अब सुहानी नहीं है घर में तो तुम भी नहीं रहोगी। फिर जो माँ है वो बोलने लगती है राजा व्लॉग्स को छोटे दामाद यानी कि गौरव को 50,000 महीना दो, वो इसी घर में रहेगा भले ही दारू पिएगा ये। 2-4 दिन वो दोनों रहे भी एक ही घर में ना। फिर राजा व्लॉग्स ने गौरव एंड अपनी बहन सुहानी को भेज दिया राजस्थान जीजाजी के वहाँ ताकि वहाँ काम करे, पैसे कमाए एंड खुशी से रहे। बट वहाँ भी गौरव पीने लगता है, गाली देता है जीजा को। फिर जो जीजाजी है उन्होंने गौरव को घर से निकाल दिया। फिर जो गौरव है वो सुहानी को लेके उदयपुर गया एंड वहाँ 35,000 में अपनी वाइफ सुहानी जो कि राजा व्लॉग्स की बहन है उनको बेच दिया। बेचकर गौरव दिल्ली भाग गया। राजा व्लॉग्स बताती कि गौरव ने उनकी बहन को इसलिए बेचा ताकि दारू पी सके। फिर कोई दूसरा बंदा वही आसपास का ना जो राजा व्लॉग्स को जानते थे व्लॉग्स के थ्रू, वो कॉल करके राजा व्लॉग्स को बताते कि आपकी बहन को 35,000 में गौरव ने बेच दिया उदयपुर में। फिर राजा व्लॉग्स कॉल करते जीजा को राजस्थान वाले, वहाँ भेज देते हैं। फिर वो 40,000 रुपए पे भी करते हैं और वो बोलते कि मेरे बहन को यहाँ लेके आओ। फिर जो है जीजा एंड बड़ी बहन सुहानी को लेके आए, बट सुहानी अभी भी गौरव की दीवानी थी ऐसा राजा व्लॉग्स बताए ना। इसके बाद राजा व्लॉग्स ने फिर समझाया गौरव को, उन्होंने गौरव को समझाया एंड माफ भी कर दिया। इसके बाद फिर से गौरव और सुहानी एक साथ रहने लगे दिल्ली में। इसके बाद भी वही गौरव मार पिटाई करना नहीं छोड़ता। इसके बाद राजा व्लॉग्स बताते कि उन्होंने घर क्यों छोड़ा अपना। वो बताते कि जिस दिन उनका शादी हुआ एंड बीवी को घर लेके आए, मम्मी ने एक कटोरा खीर लाया एंड राजा व्लॉग्स की वाइफ को दिया। फिर राजा व्लॉग्स उसको पहले खाने का कोशिश करते हैं, फिर जो मम्मी है वो खीर को फेंक देती है डस्टबिन में। फिर 2 दिन बाद उनको पता चलता है कि गांव में 2 कुत्ते मरे हुए थे। राजा व्लॉग्स के पापा ने जिस डस्टबिन में खीर को फेंका गया था उसी डस्टबिन के कचरे को वो फेंक आए थे। फिर राजा व्लॉग्स के जो पापा है वो बोलते हैं ना राजा व्लॉग्स को, तुम दोनों का लड़ाई चल रहा है क्या, जहर वहर खाने का कोशिश किया था क्या, क्योंकि वही डस्टबिन का खाना खा के कुत्ते मरे। तब राजा व्लॉग्स को समझ आया कि उनकी माँ ने खीर में जहर डाली थी एंड वो राजा व्लॉग्स की वाइफ को मारना चाहती थी, इसलिए राजा व्लॉग्स को खीर खाने नहीं दिया, वो तुरंत से फेंक दी ना जब राजा व्लॉग्स को खाने लगे थे। राजा व्लॉग्स बताते हैं कि मम्मी का कहना है कि अगर सुहानी इस घर में नहीं है तो राजा की वाइफ भी नहीं रहेगी।
जाएगी। भाई आप समझ सकते हो यहाँ पे क्या कुछ चला है। डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड मैरिज, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक 15 साल की लड़की को बेच दिया गया, डाउरी, अल्कोहल पीना जबकि बिहार में बैन है। भाई इतना सब कुछ हुआ है उनके घर में, पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। भाई पता नहीं क्या सीन है। थोड़ा सा लंबा हो गया होगा एक्सप्लेन करने में, क्योंकि यार एकदम शॉर्ट में समझाता तो एकदम अच्छी तरीके से नहीं समझते ना आप लोग। वही दूसरी तरफ जो गौरव है वो भी अपने चैनल पर कुछ वीडियोस वगैरह पोस्ट कर रहा है। वो सबसे पहले तो एक वीडियो शेयर करता है राजा व्लॉग्स की माँ का, जहाँ पे राजा व्लॉग्स की माँ रो रही होती है ना, आप देख सकते हो। गौरव बताता है कि क्या आपको पता है राजा व्लॉग्स की माँ यहाँ क्यों रो रही है, क्योंकि राजा व्लॉग्स की माँ राजा व्लॉग्स के ससुराल गई थी, एंड जो राजा व्लॉग्स के ससुराल वाले वो उनको धक्का मारे, गाली वगैरह दिए, उस टाइम पे राजा व्लॉग्स भी वहीं पे थे, ऐसा गौरव बताया। तो यही सब भाई काफी बड़े बड़े एलिगेशन लगे। मैं राजा व्लॉग्स की वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो गौरव के चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप देखना चाहते हो तो आप जाके देख सकते हो। चलिए अगली अपडेट के बारे में, उसके मुनावर फारूकी के बारे में। तो रिसेंटली क्या होता है, इवेंट या फिर कुछ तो था, वहीं पे क्राउड मुनावर फारूकी को आयशा खान चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद उनका रिएक्शन क्या था आप देखिए। चलिए अगली अपडेट के बारे में, चूंकि आईसो स्पीड के बारे में, तो काफी सारे लोग रिसेंट आईसो स्पीड के लाइव स्ट्रीम में अरेस्ट आईसो स्पीड लिख रहे थे लाइव चैट में ना, क्यों मैं बताता हूँ। रिसेंटली उन्होंने एक नया स्पोर्ट्स कार लिया, एंड भाई वो लाइव स्ट्रीम में 240 किलोमीटर प्लस चला रहे थे बिना सीट बेल्ट लगाए। यस, वो दूसरा कार के साथ रेस कर रहे थे ना, तो इसलिए उनके स्ट्रीम में ना काफी सारे लोग अरेस्ट आईसो स्पीड स्पैम कर रहे थे ना। चलिए अगली अपडेट के बारे में, चूंकि यूट्यूबर के बारे में जो कि प्रैंक कर रहा था लोगों के साथ ना, बट प्रैंक गॉन रॉन्ग हो गया, उसको पड़ जाता थप। Yes, कौन यूट्यूबर है क्या वो तो मुझे पता नहीं, मैंने ट्विटर पर ये क्लिप देखा था, आप देखिए। अभी हरकत कर ली है, प्लान बंद कर दो, मैं ना एक मिनट में बताऊंगा कौन है। अब नहीं करना अंकल, सॉरी मजाक कर रहे थे यार। चलिए अगली अपडेट के बारे में, चूंकि समय रायना के बारे में। समय रायना कल एक स्ट्रीम किए थे ध्रुव राठी कुणाल कामरा के साथ ना, ध्रुव राठी वर्सेस कुणाल कामरा का चेस मैच हुआ था, बता दूं वो तो ध्रुव राठी जीत ली है ना। अब जैसे कि बताया कुणाल कामरा एंड ध्रुव राठी है, तो कुछ दिन पहले कुणाल कामरा का एक स्टैंड अप कॉमेडी आउट हुआ है, जहाँ पे उन्होंने सलमान खान के बारे में बहुत कुछ बोला हुआ है ना, वो बहुत ज्यादा अब्यूज भी करते हैं सलमान खान को। अकॉर्डिंग टू KRK, सलमान खान कुणाल कामरा के अगेंस्ट में डिफेमेशन केस फाइल कर रहे हैं, तो उसी के बारे में थोड़ा सा बात निकला था वहाँ पे। तो कुणाल कामरा क्या कहे आप देखिए। कुणाल भाई पे अब एक केस चल रहा है शायद from the one and only Salman Khan bhai, nahi I don't think case chalega ya case hua hai aisa kuch bhi, but as sutron ke hawale, sutra matlab KRK aur Bollywood news, I mean, but all right, really let's get back into the chess immediately also aapko pata hoga is mahine se lok sabha elections hai, and iska pura result kab aayega, June 4th ko, to aise Kunal Kamra Dhruv Rathi ko troll karte hue bolte hai na, ab to June 4th tarikh ko hi pata chalega ki tum India aa paoge ki nahi. Yes, main wo wala clip dikhata hu, aap dekhiye. Join for longer, but I hope you had fun, mere bhai. I hope you also had fun, Kunal bhai. Any last words before you guys leave? Bye, Dhruv. Jaldi milenge. Milte hain. Mujhe video upload ke baad pata chalega tu. Main video release karne wala tha, isliye main bol raha tha ki 7 baje karni hai, 9 baje karni hai. मैं बोल रहा था कि अब 4th June पता चलेगा तो इंडिया वापस आ सकता है कि नहीं, तो ऑल द बेस्ट. आज वाला वीडियो देखना उससे. हाँ, डन. देखिए दोस्तों, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरा मैंने ऑरेंज पहना है भाई, आई रिप्रेजेंट द राइट भाई, ठीक है भाई, चलिए भाई, जय श्री राम, ऑल राइट गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब जैसे कि आपने पूरा क्लिप देखा, वहाँ पे समय रायना बोल रहा है कि मेरा इस वीडियो से कुछ लेना देना नहीं है, जय श्री राम वो बोलता है, तो उस वजह से काफी सारे लोग उनके अगेंस्ट में ट्वीट वगैरह कर रहे हैं। जैसे एक ट्वीट आप देख सकते हो, दिस वीडियो वाज शॉट जस्ट 30 मिनट्स बिफोर ध्रुव राठी अपलोडेड द वीडियो टुडे। यहाँ पे कौन सा वीडियो का बात हो रहा है, ध्रुव राठी का ये वाला ना, एक महीना पहले ध्रुव राठी अपने चैनल पर ये वाला वीडियो अपलोड किया था, इज इंडिया बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप, काइंड ऑफ उसी का पार्ट 2 वीडियो है जो कल ध्रुव राठी अपलोड किया। इसके बाद ध्रुव राठी बता दू काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं अभी ट्विटर पर। अब बात आते हैं समय रायना वाले पॉइंट पे, he didn't have any fear on his face, but समय रायना राइट विंग इन्फ्लुएंसर इज सेइंग आई हैव नथिंग टू डू विद दिस वीडियो, जय श्री राम, इट टेक्स करेज टू फाइट। एक और ट्वीट आप देख सकते हो, ध्रुव राठी आज का वीडियो देखना, फट टू समय रायना, मैंने ऑरेंज पहना है, मेरी फट गई है, जाने दीजिए। ध्रुव राठी अपने वीडियो में बता दू अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट से रिलेटेड भी बात की, आप जाके देख सकते हो यार, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको बताऊंगा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने रिसेंटली अरेस्ट किया है, उनको बेल नहीं मिल रहा है ना। इनफैक्ट कल न्यूज आया कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया 15 अप्रैल तक के लिए इन लिकर पॉलिसी केस।
और जो इसी केस के मामले में ना ईडी एप्पल के वहां गए अरविंद केजरीवाल का आईफोन को अनलॉक करने के लिए ना, बट रिपोर्टेडली एप्पल ने रिफ्यूज कर दिया टू अनलॉक दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल आईफोन। यहाँ पे लिखा हुआ एप्पल हाउएवर स्ट्रेन्ड अवे फ्रॉम अनलॉकिंग द आईफोन एंड द रिस्पेक्टिव यूजर्स प्राइवेसी एंड डज नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द ईडी लेड इन्वेस्टिगेशन। ऐसा पहली बार नहीं हुआ एप्पल ने यूजर का प्राइवेसी की वजह से पहले भी बहुत सारे लोगों के फोन को अनलॉक करने से मना किया हुआ। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में सुखे, शाहरुख खान के बारे में। तो रिपोर्टेडली शाहरुख खान बहुत जल्द शूट करना चालू कर देंगे फॉर संदीप रेड्डी वांगास अपकमिंग फिल्म। संदीप रेड्डी वांगा आपको पता ही होगा एनिमल, कबीर सिंह जैसे मूवी के डायरेक्टर। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में सुखे, हार्दिक पांड्या के बारे में। तो कल राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच था वानखेड़े स्टेडियम में, वो मैच भी भाई मुंबई इंडियंस हार गए। तीन लगातार मैचेस वो हार चुके हैं ना। कल के मैच में भी काफी सारे लोग हार्दिक पांड्या को बू कर रहे थे एंड रोहित शर्मा का काफी अच्छा जेस्चर हमें देखने को मिलता है, वो क्राउड को रोकते हैं ना कि बू मत करो कैप्टन को करके। और जो एक बंदा भाई सिक्योरिटी को ब्रीच करके पिच में इन्वेड करता है रोहित शर्मा से मिलने के लिए एंड रोहित शर्मा डर जाता है। ऐसे एकदम से वो दौड़ के जाता है, जैसे रोहित शर्मा देखता है वो डर जाते थोड़ा सा। वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा बता दीजिए। अब यार जैसे कि मैं बताया हार्दिक पांड्या को काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा है, काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं कुछ पब्लिक ओपिनियन वीडियोस वगैरह भी देख रहा था, काफी सारे लोग हार्दिक पांड्या को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना। बहुत सारे लोग यही बोल रहे कि रोहित शर्मा को वापस दे दो कैप्टनसी। हार्दिक पांड्या आज ट्विटर पर एक ट्वीट किए, वो एक फोटो पोस्ट किया, लिखे इफ देयर इज वन थिंग यू शुड नो अबाउट दिस टीम, वी नेवर गिव अप, वी विल कीप फाइटिंग, वी विल कीप गोइंग। और जहां पे क्रिकेटर की बात हो रही है तो बात करते हैं रियान पराग के बारे में। तो रियान पराग का ये सीजन काफी बढ़िया जा रहा है ना, वो अभी होल्ड कर रहे हैं ऑरेंज कैप। समझ रहे हो, एक टाइम पे उनको इतना ज्यादा ट्रोल किया जाता था एंड आज वो ऑरेंज कैप होल्डर है भाई, व्हाट अ कमबैक ना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में चुके, हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल का इनकम कितना होता है भाई, इसी के बारे में बात की रिसेंटली क्रेजी रॉक नीरज के इंटरव्यू में। वो क्या कहे आप देखिए भाई। ये क्वेश्चन आपसे बहुत लोगों ने पूछा हुआ और मैं भी पूछना चाहूंगा भाई, हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब। मैं यूट्यूब से कितना कमाता हूँ, देख पहली बात तो मैं कम वीडियोस डालता हूँ तो मेरे मंथली व्यूज बहुत कम है, ठीक है। ठीक है, अब अगर मैं रेगुलर डालू तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और मेरे को पता है अगर मैं रेगुलर डालने लग गया ना, मतलब महीने में दो तीन वीडियो भी डाल दी ना मैंने, तो मैं सीआर में कमा सकता हूँ महीने का। अच्छा, सिर्फ YouTube मोनेटाइजेशन से सिर्फ। और बता दूं, हर्ष बेनीवाल की एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड का फोटो वो आज तक नहीं दिखा है। ये जो फोटो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो हर्ष बेनीवाल और उनकी गर्लफ्रेंड का, उन्होंने मुंह नहीं दिखाया ना, तो ऐसा क्यों भाई, इसी के बारे में वो बताया आप देखिए। पर ये तो ना, आप जो फोटोज डालते हो मुझे बाकी के डालते हो यार, उसको नहीं पसंद, उसको थोड़ा वैसा रहना है कि भाई मेरे को लाइमलाइट में नहीं आ रहा। एग्जैक्टली, बट ठीक है, कभी तो ऑफिशियली करोगे, कभी करेंगे जबकि जब देखेंगे शादीशुदी के बाद। कब कर रहे हो? अभी है टाइम है। नहीं, अभी तो टाइम दो। और जो गाइस उस इंटरव्यू में वो बताया कि दारू वी डैड पार्ट टू शूट करते टाइम ना बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ उनको, उनका 10-12 लाख का लॉस हुआ, पुलिस वगैरह इन्वॉल्व हो गए थे। क्या हुआ था एग्जैक्ट मैटर, उसके लिए तो आप वो इंटरव्यू जाके देख सकते हो यार, सब कुछ नहीं दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। उस इंटरव्यू का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जो क्या हर्ष बेनीवाल एंड मोहित चिकारा यूके जनरेशन राइडर को थोड़ा सा ट्रोल किए। यस, रिसेंटली आपको बताओ हर्ष बेनीवाल ने भी ले लिया एक नया स्पोर्ट्स कार, उससे रिलेटेड मोहित चिकारा एक ब्लॉग अपलोड किया ना, वहीं पे साथ से उन्होंने ट्रोल किया। मैं छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ आप देखिए। ये बताएगा आपको क्या राज है इस जिंदगी का। कुछ राज नहीं है इसका, है सिंपलिसिटी एट इट बेस्ट। कौन सा पूरी दुनिया को सही भाई, गुड जॉब। डिंडोरा पीट, हाँ, फिर छह महीने चना बाजेगा ना, और फिर छह महीने वापस करना पड़ जाए तो क्या फायदा, फिर क्या भाई, मेरा छह महीने वाला हिसाब नहीं। लेगेसी मैं तो एक भी नहीं बना रहा, ये भी तू ही ले ले इसके पैसे। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में सुखी, अंजलि अरोरा के बारे में। तो अंजलि अरोरा कल अपने ट्विटर पर एक ट्वीट की गेटिंग मैरिड सून। वेल, ये एक प्रैंक निकला क्योंकि आपको बताओ कल 1 अप्रैल था, काफी सारे लोग तो उनको कांग्रेचुलेट करने लग गए थे। तो अंजलि अरोरा एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करती है ना, आप देखिए। सो गाइज, कैसा लगा मेरा मजाक। सो गाइज, इट्स 1 अप्रैल और हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया, सब के सब उल्लू बन गए। So guys, दे। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। आई एम सो सॉरी, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। मेरा प्लान नहीं था गाइज, इसी का प्लान था। तो मेरे को लगा कि नहीं, मुझे वीडियो डालनी चाहिए जिसमें मैं क्लियर कर दूं, और वैसे भी 15 मिनट में अप्रैल फुल खत्म होने वाला है तो मैं स्टोरी भी डिलीट कर दूंगी वो वाली। गाइज, मेरी शादी नहीं हो रही है और मैं नहीं करने वाली, मैं भी कुछ बच्ची हूँ यार, क्या हो गया आपको, रिलैक्स। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में चुके, थगेश के बारे में। तो थगेश का लफड़ा सेंट्रल का 1 एपिसोड आउट हो चुका है। किसके साथ आउट हुआ आपको पता ही होगा, रजत दलाल के साथ, जिसको कि भाई क्रेजी रिस्पांस मिल रहा है। तो अभी काफी सारे लोग थगेश को पूछ रहे हैं ना कि थगेश शो का क्या होगा, थगेश शो खत्म हो गया क्या, दी एंड हो गया क्या उसका। तो उससे रिलेटेड थगेश बात किए ना, आप देखिए। ऑल्सो बहुत लोग पूछ रहे हैं थगेश शो का अब क्या होगा, थगेश शो नहीं आएगा क्या, क्यों नहीं आएगा भाई, आएगा। थगेश शो विल बी बैक बोल के गया था ना मैं सीजन 1 के एंड में, थगेश शो विल बी बैक बट लफड़ा सेंट्रल के बाद। लफड़ा सेंट्रल का सीजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद थगेश शो आएगा। थगेश शो और लफड़ा सेंट्रल साथ में नहीं चलेंगे, क्योंकि आदमी एक ही है, अगर वो दोनों चलेंगे तो मेरा चलना बंद हो जाएगा, मैं
मैं खत्म हो जाएगा, तो लफड़ा सेंट्रल के बाद आएगा थकेश शो, और लफड़ा सेंट्रल के बीच में भी कुछ आ सकता है अब, बट या आएगा थकेश शो। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, कृति सैनन के बारे में, तो क्या इन फ्यूचर कृति सैनन पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगी जस्ट लाइक कंगना रनौत, किसी से रिलेटेड उनसे पूछा गया था ना, तो वो कही मैंने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है, मैं कभी सोचती नहीं हूँ कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, जब तक मेरे अंदर से थॉट नहीं आता है, जब तक मैं किसी चीज को लेकर पैशनेट नहीं होती हूँ, जिस दिन मेरे दिल में आएगा कि हाँ मुझे और भी कुछ बड़ा करना है उस टाइम पे शायद से सोचूंगी मैं। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, लखनऊ के एक हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में बता दो, जो हस्बैंड है वो लखनऊ से है ठीक है, जो वाइफ है वो मध्य प्रदेश की है, तो जो वाइफ है ना वो व्हाट्सएप पर एक स्टेटस डालती है ये बोल कि कोई अगर मेरे हस्बैंड को मार देगा तो फिर मैं उसको 50,000 रुपए दूंगी, और जो बताती कि जो शादी हुआ हमारे बीच में वो मेरे सहमति के बिना हुआ। इसके बाद क्या है भाई, जैसे हस्बैंड को पता चला वो व्हाट्सएप स्टेटस के बारे में, तो वो पुलिस कंप्लेंट फाइल कर देते हैं ना, 2 साल पहले वो दोनों का शादी हुआ था बट कुछ मैरिटल डिस्प्यूट्स की वजह से 5 महीने बाद से जो वाइफ है वो अपने पेरेंट्स के घर रहने लग गई ना। हस्बैंड का कहना है कि जो वाइफ है उनका किसी दूसरे बंदे के साथ अफेयर है, वो डिवोर्स चाहती है उनसे ताकि जो वाइफ है वो उसके लवर से शादी कर सके। वेल अभी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हुआ, केस रजिस्टर हो चुका है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, चुके हैदराबाद के मिरपेट पुलिस स्टेशन के एक सब इंस्पेक्टर के बारे में जिनका नाम है बी सईदुल्लू ठीक है, तो उनको जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने अरेस्ट कर लिया क्यों, 10,000 रुपए का ब्राइब लेने की वजह से मधानी सुभाष से, यह उनके अगेंस्ट में कुछ तो कंप्लेंट रजिस्टर था, तो उसको डिसमिस करने के लिए उन्होंने 10,000 रुपए लिए ना, वो भाई ब्राइब लेते वक्त रंगे हाथों पकड़े गए, अभी अरेस्ट हो चुके हैं, उनके ऊपर मिसकंडक्ट एंड करप्शन का चार्जेस लगा है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, चुके लव कटारिया के बारे में, तो क्या लव कटारिया ने मनीषा रानी को पोक किया, यस आपको बताओ मनीषा रानी जो वीडियो अपलोड की थी ना अपने चैनल पर जहां पे वो एक्सप्लेन की थी कि उन्होंने एल्विस यादव को क्यों अनफॉलो किया, वहां पे वो कुछ तो एक स्किन ब्रांड का प्रमोशन करती है, एक कंट्रोवर्शियल रिप्लाई वीडियो में वो ब्रांड का स्पॉन्सर करती है, तो उस वजह से काफी सारे तो उनको ट्रोल किए ही, साथ ही साथ एल्विस यादव भी जो रिप्लाई वीडियो अपलोड किए थे वहां पे भी ट्रोल किए, तो एल्विस यादव का रिप्लाई वीडियो आने के बाद कटारिया भी एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे जिसको कि बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। आप देखिए, देखो भाई स्किन ग्लो कर रही है पूरी पूरी, तो अगर आपको भी स्किन केयर सीखना है मेरी तरह तो आप मेरे चैनल स्किन केयर टिप्स को ज्वाइन। इसके बाद क्या है भाई, काफी सारे लोग फिर उनको बोलने लग गए ना कि मनीषा रानी को ट्रोल कर रहे हो, पोक कर रहे हो ये सब। इसके बाद लव कटारिया की इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करते हैं, आप देखिए। तुम्हें मेरी स्टोरी लगी कि मैंने मनीषा जी के लिए डाली है, पहली बात तो एक वो मैंने यूं ही डाल दी थी, मैं यहाँ जा रहा था जय को पिक करने, तो वहाँ पे सनलाइट आ रही थी ठीक है, चाहे तुम कुछ समझना कि मैंने हटाई ना हटाई, भाई जी जिसको बुरा लगा मैं तो सीधा कहता हूँ सॉरी। और नंबर दो, कभी कभी ना दिमाग, इंसान का दिमाग है ना ठिकाने पे नहीं होता, तो किसी चीज को किसी चीज से भी कनेक्ट मत करा करो, समझ रहे हो ना, ये बस बात बोलनी थी मैंने बोल दी, बाकी अब लोगों का काम है भाई, समझने वाले समझ जाएंगे, हर चीज को ना हर चीज से कनेक्ट मत करे करो यार, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। ये बंदे कह रहे हैं कि आप जस्टिफिकेशन क्यों दे रहे हो, अरे मेरा जी भाई मैं जस्टिफिकेशन दूं ना दूं, क्योंकि मैंने डाली नहीं थी किसी के लिए तो लोग कनेक्ट करेंगे, तो मेरा तो मन करेगा ना मैं बोलूं कि मत करो कनेक्ट। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे, और तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।